अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चिंगम उतारने का बहुत ही बेस्ट वे बताऊंगी और ये बहुत आजमूदा तरीका है कि अगर आपके किसी भी कपड़े पर चिंगम लग गई है, यानी बबल जिसको हम कहते हैं वो लग गई है, तो आप उसको किस तरह से उतार सकते हैं। आपने सिंपल उसको जिस कपड़े पर लग गई है उसको आपने शॉपर में एक डाल दें कपड़े को और फ्रीज़र में रख दें। जब वो ठंडा हो जाएगा तो चिंगम भी ठंडी हो जाएगी और जिससे उसको आप आसानी उतार सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी कारपेट पर या क्लीन पर चिंगम लग गई है तो आपने बर्फ़ का एक टुकड़ा लेना है, उसको उस पर क्लीन के ऊपर रब करना है अच्छे से, जिससे चिंगम जम जाएगा, ठंडी हो जाएगी, फ्रीज़ हो जाएगी चिंगम और वो आसानी से उतर जाएगी। इसके साथ साथ अगर किसी के बालों में, जिस तरह से बच्चे चिंगम खा रहे होते हैं उनके बालों में लग जाता है, तो उसको भी आप आसानी से रिमूव कर सकती हैं। बहुत आसान है। बच्चों के बाल काटने की बजाय आपने सिंपल जिस बच्चे के बाल पे चिंगम लग चुका है उसके ऊपर आपने बर्फ़ का टुकड़ा लेकर उसको अच्छे से रब करना है ताकि वो चिंगम जम जाए और आसानी से आप उसको उतार सकते हैं, बाल काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही आजमूदा टिप्स है, आप इनको जो है यूज़ करके देखें। आसानी से आप अपने किसी भी कपड़े पर कहीं पर भी चिंगम लग चुका है तो आप उसको आसानी से उतार सकते हैं। इससे आपके जो कपड़े हैं वो ख़राब होने से भी बच जाएंगे, अगर बाल हैं तो वो काटने से बच जाएंगे और आसानी से आप उनको रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये छोटी सी टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में भी ज़रूर बताया करें। नीचे कमेंट करके बता दिया करें आपको वीडियो कैसी लगी है और आगे आप क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।